ये ग्राउंड हो गया यहाँ पर हमने एक पॉइंट P मार्क कर लिया ठीक है ये पॉइंट P मार्क कर लिया अब वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टार एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बॉटम का और टॉप ऑफ अ टार जो कि कहाँ पे फिक्स्ड है देखो बेटा फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एक ये बिल्डिंग है ए भी. जिसकी हाइट कितनी है बेटा ट्वेंटी मीटर है उसके ऊपर एक टावर इंस्टॉल्ड है जैसे मोबाइल टावर होते हैं ना आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर तो एक टावर इंस्टॉल है लाइक दिस और उस टावर को हम नेम दे देते हैं टी ए बिल्डिंग का नेम दे दिया ए बी और टावर टी ए अब एक बार ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है बेटा? वो बनता है नीचे से से ऊपर की तरफ। जैसे point P से एक line of जाएगी, like this, इसके bottom पे, और वो इस के साथ कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पर एक एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जैसे जो एंगल पी है इट इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन और ये बॉटम का कितना दिया है बेटा बॉटम एंड टॉप आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली यानी कि बॉटम का 45 और टॉप का 60। तो बॉटम का हो गया 45 डिग्री इसी तरह से बेटा पॉइंट पी से टॉप ऑफ द टार का भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ये गई लाइन ऑफ साइट अब ये जो लाइन ऑफ साइट गई ये ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बना रही है बेटा ध्यान से देखो इट इज़ दिस वन ये बड़ा वाला यानी कि एंगल टी पी बी तो ये कितना डिग्री दिया बेटा टॉप का 60 डिग्री तो ये हमारी फिगर बन के तैयार हो गई ठीक है रेडी है फिगर हमारी अब इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर ए बी हमने 20 मीटर है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हम एज्यूम कर लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टार बी और टार क्या है बेटा टी ए ये वाला जो देखो मैं डार्क कर देता हूँ टी ए इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और उसे हम एच मीटर एज्यूम कर लेते हैं फाइन अब एच की वैल्यू निकालनी है और साथ में बेटा जो पॉइंट पी जो है ना पोल से कितना दूर है ये हमें गिवन नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं कि x मीटर दूर है यानी कि जो डिस्टेंस पी बी है वो x है ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कर लिएट पी बी इज इक्वल टू एक्स अब बेटा जो ये बिल्डिंग होगी ना इट विल ऑलवेज बी पेपेंडिकुलर ऑन ग्राउंड तो इधर हमारे पास दो राइट ट्रायंगल होंगे और उनमें हम टिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे पहला राइट ट्रायंगल हम लेंगे बेटा राइट ट्रायंगल ए बी पी हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी पी एंगल बी 90 डिग्री है और 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है जैसे ए बी एंगल बी 90 है इसके अपोजिट कौन सी साइड है बच्चा ए पी है ना तो ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होती है और बाकी जो दो साइड्स होती है उनमें एक पेपेंडिकुलर और एक बेस होती है अब जैसे मान लो हम 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में टिक्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो टिक्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री रिस्पेक्ट में लेंगे तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी ना अब फोर्टी डिग्री के सामने कौन सी साइड है बेटा ए बी ए बी पी में ए बी है तो ए बी पेपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस कंसीडर होगी अब ए बी हमें ट्वेंटी मीटर दिया है और बेस बीपीएक्स जो कि हमें फाइंड करना है तो ये हमें इसमें हम क्या कौन सा रेशियो लेंगे वो रेशियो टिग्नोमेट्री का जिसमें और बेस आता हो। तो इसके लिए, मैंने आपको बताया था साइन कोस टेन यानी कि सोना चांदी तोला और पी बी पी अपॉन एच एच बी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इसमें पी स्टैंड फॉर पेपेंडिकुलर बी स्टैंड फॉर बेस और एस स्टैंड फॉर हाईपोर्टिन्यूस आप देखो बेटा पेपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आ रहा है टेन में आ रहा है ना तो हम टेन ले लेंगे इसमें सो so, अब एंगल कितना डिग्री है फोर्टी फाइव डिग्री तो हम लिखेंगे टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू पेपेंडिकुलर पेपेंडिकुलर क्या बेटा? A, है बेटा ए बी है ए बी अपॉन बीपी ए बी अपॉन बीपी अब टेन फोर्टी फाइव अगर टिक्नोमेट्रिक टेबल में बेटा आप देखोगे या आपको लर्न होगा तो उसमें टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होता है और ए बी कितना है ए बी इज ट्वेंटी मीटर ए बी ट्वेंटी मीटर हो गया और बी पी एक्स है फाइन अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ वन इंटू एक्स एक्स और इसको एक्स को वन से किया फिर वन को ट्वेंटी से करोगे तो ट्वेंटी आएगा तो एक्स आ गया हमारा ट्वेंटी मीटर ओके ये हमारे पास पी बी ए की वैल्यू आ गई लेकिन हमें निकालना क्या है बेटा हमें तो निकालना है हाइट ऑफ द पोल या टार टी ए तो टी ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ये वाले में अगर हम इसमें पूरा ले लें टी बी पी टी बी पी तो उसमें ती, ती ए इंक्लूड हो रहा है ना उसकी साइड टीबी में टी ए इंक्लूड हो रहा है तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल टी बी पी इसमें बेटा ये पे पेपेंडिकुलर है जैसे 60 डिग्री की रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड 60 के पे पेपेंडिकुलर और बी पी बेस है तो इसमें टेन सिक्सटी 10 टेन e ही रेशियो रहेगा ना टेन सिक्सटी इज इक्वल टू टी बी अपॉन बी पी अब टेन सिक्सटी अगर आप टिक्नोमेटिक टेबल में बेटा ऑब्जर्व करोगे ना देखोगे रूट थ्री है और टी बी हमारा टी बी टी बी यानी टी बी कैसे बना देखो बच्चे टी ए और ए बी को प्लस करके ये टी बी कैसे बना है टी ए और ए बी यानी कि टार की हाइट और बिल्डिंग की हाइट टोटल हाइट जो है वो टी बी है एच प्लस ट्वेंटी अपॉन BP BP कितनी है X अब बेटा X की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हाउ मच ट्वेंटी ये वैल्यू हम यहां सब्सिट्यूट कर देते हैं फाइन तो रूट थ्री इज इक्वल टू एच प्लस ट्वेंटी अपॉन एक्स की जगह हमने ट्वेंटी डाल दिया अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूट थ्री के नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा लो अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो वन इंटू एनी नंबर ट्वेंटी क्या होगा एच प्लस ट्वेंटी ही आएगा ना यस yes. सर और बेटा रूट थ्री को अगर ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करता कराएं तो ये होता है ट्वेंटी रूट थ्री अब नेक्स्ट क्या होगा अब एच की वैल्यू क्या होगी बेटा एच प्लस ट्वेंटी इज टू ट्वेंटी रूट थ्री आ गया अब ये प्लस ट्वेंटी हम एल एच एस से आर एच एस में शिफ्ट कर देंगे एल एच एस से आर एच एस में एल एच एस आर एच एस में शिफ्ट करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या होगा एच इज इक्वल टू ट्वेंटी रूट थ्री प्लस ट्वेंटी आर एच एस में जाके माइनस ट्वेंटी हो जाएगा और अब बेटा रूट थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी थी वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो हम ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन पॉइंट सेवन थ्री टू लिख देंगे रूट थ्री की जगह माइनस ट्वेंटी साथ में ये जो माइनस ट्वेंटी है अब बेटा ट्वेंटी को अगर वन पॉइंट सेवन थ्री टू से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर माइनस ट्वेंटी और अब इसको हम ट्वेंटी पॉइंट जीरो जीरो कर दें और इसको थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर से माइनस करें तो एच हमारा होगा फोर्टीन पॉइंट सिक्स फोर मीटर सो फाइनली हाइट ऑफ द टार क्या हो गई जो कि हमें फाइंड करनी थी हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टार करनी थी ना सो हाइट ऑफ द टार इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स फोर मीटर